हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सक्सेस मंच में। हम लोग कर रहे हैं जीएस पेपर वन, इसका पॉइंट नंबर वन कर रहे हैं हम लोग। तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और कला यहाँ पर बहुत सारी है, वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड, नृत्य कला, गायन शैली और लोक कला बहुत सारे जो स्टेट की हैं। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। तो और ये जो पहला पॉइंट है इसका, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को पूरा देखिए, कहीं भी ये टॉपिक आपको क्लियरली नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि कैसा लग रहा है मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए। और साथ में मैंने लाइव मॉक टेस्ट की एक सीरीज शुरू की है। तो रोज हम लोग दोपहर में 12 बजे, और टाइम चेंज भी हो सकता है, तो उसका मैं प्री शेड्यूल जब भी होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो लाइव टेस्ट शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग जो भी मेरा ये लेसन देख रहा है, प्लीज़ लाइव टेस्ट में ज़रूर आएँ। सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, और आप लोग देखिए, चेक करें अपने आप को कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है और आप लोगों की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए मैं मेंस की यह सीरीज़ प्रॉपर लेकर आई हूँ। अब हम रेगुलर क्लासेस करेंगे जीएस पेपर वन और पेपर फोर के लिए। अब ब्रेक नहीं करूँगी यहाँ पर, कॉन्टीन्यूटी और लगातार क्लासेस यहाँ पर मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और लाइव टेस्ट में ज़रूर आप लोग वहाँ पर हाज़िरी दें अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की डेली की चेकिंग। तो रोज़ 12 बजे मैं लाइव टेस्ट लेकर आती हूँ, तो वहाँ पर आप लोग सब लोग आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर प्राचीन भारत में जो भी कलाएं थी, तो इसमें हड़प्पा काल की जो जो कला थी उसके बारे में मैंने लास्ट क्लासेस में बता दिया था पूरा। आज फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ उसका। आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। तो मौर्यों के टाइम में क्या क्या कलाएँ थी। तो मौर्यों के टाइम में कला को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था दरबारी कला, दूसरा यहाँ पर था लोकप्रिय कला। दरबारी कला के अंतर्गत हम 3 टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। महलों के बारे में जानेंगे, स्तंभों के बारे में जानेंगे, स्तूपों के बारे में जानेंगे। और ये लोकप्रिय जो कलाएँ थी वहाँ पर, गुफाएँ जो आम जनता बनाती थी, या फिर मौर्य जो दरबार था उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वो लोग बना, इस कला का निर्माण उन लोगों ने किया। मृदभांड और मूर्तियाँ, इस टाइप की जो कला थी वो लोकप्रिय कला के श्रेणी में आती है। और दरबारी कला में जो मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के काल में बनाई गई थी वो थी महल, स्तंभ और स्तूप। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो मौर्य कला और स्थापत्य कला जो थी वो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मौर्य शासनकाल कब आया था, तो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो श्रवण परम्परा के अंग थे, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, उसके आगमन के साथ साथ ही आप लोग को पता है कि गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित होने लगा था। बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे जो राजवंश थे वो आने लगे थे, जो कि दोनों धर्म वैदिक युग के वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। इसलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से मतलब बहुत ज़्यादा सजग हो चुके थे उन लोगों का। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की, तो हम राज्य के संरक्षण में और व्यक्तिगत रूप से, जैसे ही मौर्यों ने अपना जैसे राज्य स्थापित किया, तो उस समय बहुत ज़्यादा मूर्तिकला, दरबारी कला और व्यक्तित्व पहल के, व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कला को संरक्षण मिलने लगा उस टाइम में। तो बहुत सारी कलाएं आएँ, तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कैटेगरीज आप लोगों को बता ही दी थी, तो सबसे पहले है दरबारी कला। दरबारी कला के अंतर्गत सबसे पहले महल या किलों का निर्माण किया गया। तो पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई गई, जैसे आप लोगों को पता ही, और कुम्भराहार में महलों का निर्माण बहुत सारे किया गया यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो ईरान में जो पर्सेपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित है। यहाँ पर इनके महल बहुत ज़्यादा अच्छे इसमें बनाए गए हैं। जो ईरान में महल बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर महलों का निर्माण इन्होंने किया है। इसमें जो मुख्य सामग्री इन्होंने यूज़ किया है वो लकड़ी, मतलब कि जो महल बनाए हैं पाटलिपुत्र में बनाया गया जो महल, जो कलिंग में भी महल बनाए गए हैं, तो उसमें लकड़ी की चीज़ ज़्यादा यूज़ किया गया। और कुम्भराहार में अशोक ने महल बनवाया है, वहाँ पर बहुत विशाल संरचना महलों की है। तो एक वहाँ ऊँचा एक केंद्रीय स्तंभ बनाया गया है, और 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा बनाया गया है, और उसी को ही उन्होंने पॉलिश करके निर्माण किया है महल का अपने।
तो यहाँ अशोक के महल की बात हो रही है। महल की दीवारों को नक्काशी और मूर्तियों से भी सजाया गया है। बहुत सारे आपने अशोक के बहुत सारे महल देखे होंगे पिक्चर्स में ही सही, आप गूगल करके बहुत सारे महल देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं खंभों और स्तंभों के बारे में। तो स्तंभों के बारे में बात करें तो बहुत सारे जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं वो अकमेनियन स्तंभ जो हैं, जैसे महल तो उन्होंने अकमेनियन से कॉपी करके बना लिया, बट जो स्तंभ थे उन्होंने कॉपी नहीं किया है, यहाँ भिन्न किस्म के बने हुए हैं। बहुत सारे स्तंभ हैं जिन पे शिलालेख पाए गए हैं। यहाँ ये राजकीय प्रतीक के रूप में युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में ये शिलालेख बनाए जाते थे। ये स्तंभ जो है चट्टानों के कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ थे और इन स्तंभ की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसी आकृति उकेरी गई थी। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि जो सारनाथ का स्तंभ था जिसपे शेर की आकृति है, वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में भी यूज़ किया गया है। ऐसे ही बिहार में बसराह, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में संकीसा, सारनाथ में स्तंभों के उदाहरण सारनाथ में बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। मौर्यकालीन जो स्तंभ था वो शीर्ष है, सिंह स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो शीर्ष स्तंभ जो है मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोपरि उदाहरण है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सिंह शीर्ष या स्तंभ शीर्ष, इसे दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये स्तंभ शीर्ष है वो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का घोतक है। जो बुद्ध के जीवन में धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना देता है ये स्तंभ। और ये स्तंभ की अगर हम बात करें तो ये स्तंभ 40 फीट ऊंचे हैं और सामान्यतः ये जो बनाए गए हैं ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं और इसके चार भाग थे। लंबा जो मूल कंठ आधार का निर्माण करता था, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये आधार का निर्माण करता था जो कि एक ही खंड मतलब एकाश्म पत्थर से बना हुआ था। एक ही पत्थर को काट के यहाँ जोड़ नहीं लगाया गया था पत्थरों के अंतर्गत। इसके सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार में शीर्ष या ललाट पे, जैसे आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा, तो ये कमल का आकार दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर, तो ये उल्टा ऐसे कमल या घंटे के आकार में उल्टा दिखाया गया है यहाँ पर। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट जो है वो ईरानी स्तंभ से यहाँ पर प्रभावित थे, क्योंकि ये स्तंभ अधिकतर पॉलिशदार और चमकदार होते थे। इसके ऊपर जो था वो जो घंटे के आकार का जो शीर्ष फलक है इसके ऊपर वेताकार या आयताकार आधार होता था, जैसे कि ये आप देख सकते हो ये वाला आधार, ये आधार होता था और इस आधार के ऊपर किसी एक पशु की मूर्ति होती थी, जैसा कि आप पूरा प्रॉपर देख सकते हो। तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड था, इसको आप लोग ऐसे ही एग्जांपल में आप लोग लिखोगे। यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है, बनारस में सारनाथ जो कि यहाँ ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया था, भारत का प्राचीन अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ की प्रतिकृति है। इसके मूल स्तंभ में शीर्ष पर चार सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। ये जो मैं पॉइंट दे रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखोगे जब भी कोई क्वेश्चन आता है, प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। इसमें केवल तीन सिंह ही दिखाई देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी सामने से, क्योंकि पीछे वाला वहाँ पर इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता हम लोगों को। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु वाला भाग राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि आप लोग इसमें यहाँ देख सकते हो, जैसे ये पोर्शन आप लोगों को दिखाया गया, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में चार पशु दिखाए गए हैं, जो नीचे बना हुआ है सर्कल आयताकार, उसमें चार पशु दिखाए गए हैं। एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, उसमें एक बैल है, एक हाथी और एक सिंह है। ये चारों के नाम आप लोग याद रखना है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इसके पहले उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन की स्मृति में बनाया गया है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए आगे बात करते हैं इसमें स्तूप के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर कलाकृति होती थी मौर्य काल में। तो सबसे ऊपर स्तूप में यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो छत्र होता था, और ये जो पिक्चर मैंने दिखाई गई है ये रफ एक, अगर आपको स्तूपों के बारे में एक अलग से क्वेश्चन आता है प्रॉपर लंबा सा, तो आप स्तूप वहाँ पर प्रॉपर ये चित्र बना के भी कर सकते हो।
अगर आप ऐसे पिक्चर बनाएंगे अपने एग्जाम में तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये नीचे का जो पोर्शन होता है, यहाँ जो जो मैंने नाम लोकेट किए हैं वो नाम आप लोग एग्जाम में लिखोगे, इसे कहते थे यस्ति। नीचे का ये जो पोर्शन है जो एक आपको आयताकार टाइप में दिखाई दे रहा है तो इसे कहते हैं हर्मिका। ये स्तूप गुंबद होता था, ये जो गोल सा ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके बाद इस साइड में जो पूर्वी तोरण होता था, जो पूर्वी द्वार होता है वो उसे कहते हैं पूर्वी तोरण। नेक्स्ट यहाँ पर जो गैलरी है सॉरी, ये पत्थर का बाड़ा लगाया जाता था, यहाँ पर पत्थर का बाड़ा। ऐसे ही यहाँ पर दक्षिणी तोरण होता था, दक्षिणी द्वार, ये आप देख सकते हो कलाकृति बहुत बड़ी सी बनी हुई है, तो ये होता था दक्षिणी तोरण। यहाँ पर होता था दोहरा सीढ़ी नुमा रास्ता, मतलब दो रास्ते होते थे, एक इधर से आने जाने के लिए। और यहाँ पर फुट भी दिखाया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको दर्शाने की। यहाँ पर पश्चिमी तोरण होता था, मतलब कि यहाँ तीन तोरण ऑलमोस्ट होते थे, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी, तीन तोरण होते थे यहाँ पर स्तूपों में। और प्रदक्षिणा पथ भी होता था आपके स्तूपों में, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रदक्षिणा पथ जहाँ पर मूर्ति का राउंड चक्कर लगाया जा सकता है। तो ये पिक्चर आप एज इट इज़ आप एग्जाम्पल में बना के आओगे, अगर स्तूप पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली एग्जामिनर इम्प्रेस होकर बहुत अच्छे मार्क्स देगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए आगे बात करेंगे स्तूपों के बारे में, मेन फीचर की। तो स्तूप जो होते थे उसे प्राचीन काल में समाधान टीले कहा जाता था, जिसमें मृतकों के अवशेष और राखों को रखा जाता था। अशोक के राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे, और बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो 9 स्तूप बनाए गए, जिसमें 8 स्तूपों में तो बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, और जबकि 9वां जो स्तूप था वो एक बर्तन था जिसमें वो जो 8 अवशेष रखे गए थे वो बर्तन था जिसमें 8 अवशेष रखे गए, तो 9वें में वो बर्तन अंदर दफनाया गया था, डाला गया था। जो स्तूप का कोर होता था, मतलब कि अंदर का हिस्सा, वो कच्ची ईंटों से बनाया गया था। स्तूप का जो बाहर का हिस्सा होता था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसमें हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप है, और उत्तर प्रदेश में जो पिपरवाहा का स्तूप है वो सबसे प्राचीन स्तूप है। तो ये दो क्वेश्चन जो पॉइंट लास्ट के हैं, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाला क्वेश्चन कि अशोक राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, तो इसके बारे में जो बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप जो बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, ये भी कभी कभी एग्जाम में जब एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तो वो ये भी पूछ लेता है कि तिलक की अर्थी को कांधा किसने दिया, तो 9 स्तूपों के नाम भी पूछ सकता है। तो राजगृह वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, बेडपीठ, पावा, कुशीनगर और पीपलीवन, ये जो 9 स्तूप है यहाँ पर बुद्ध के अवशेष दफनाए गए हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अशोक के स्तंभ और अक्मेनियन स्तंभों के बीच अंतर क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ सिर्फ पॉइंटर दिए गए हैं, आप इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अशोक के स्तंभ के बारे में बात करते हैं, तो अशोक स्तंभ एकाश्म थे, मतलब कि एक ही पत्थर पर वहाँ पर बनाया गया था, और यहाँ पर इसे दो पॉइंट में आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो, और ये बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। अक्मेनियन जो स्तंभ था वो बलुआ पत्थर के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ जोड़ के बनाया गया था, तो ये बहुत मेनली एक अंतर था, ये प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो जो मैं पॉइंट करा रही हूँ वो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्री के एग्जाम के लिए, तो यहाँ आप लोग ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभों को राजकीय ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया था, बट कि यहाँ पर अक्मेनियन स्तंभ थे वो सामान्यतः राजभवनों से ही जुड़े हुए थे। अशोक ने अपने जो स्तंभ थे अलग अलग जगहों पर पूरे जो उसका एरिया था जहाँ वो राज करता था उसके बहुत ज़्यादा जगह अलग अलग जगह स्थापित किए गए थे, बट अक्मेनियन स्तंभ राजभवनों से ही जुड़े हुए थे। तो यहाँ हम लोगों ने बात की दरबारी कला के बारे में, तो दरबारी कला का ये तीनों टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्लास में जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे लोक प्रिय जो कला थी, लोक द्वारा बनाई गई कला, उसके बारे में। तो आज का लेसन कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और लाइव टेस्ट में आना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।